दोस्तों आपका एक लाइक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जब वीडियो पर लाइक ज्यादा होते हैं तभी यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों दिन और रात की तरह अच्छा और बुरा वक्त भी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी आप बहुत उदास होते हैं, आपके पास जो है और जो नहीं है उन पर विचार करते हैं, और कई बार आप अपनी किस्मत को कोसते भी हैं, और कई बार आपके पास जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। दोस्तों यही जिंदगी है, और जिस इंसान ने प्रकृति के इस नियम को पहचान लिया वह अपने बुरे वक्त में भी खुद को उदास होने से बचा लेता है और अच्छे वक्त का भरपूर फायदा उठाकर सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है। दोस्तों आज की कहानी में हम इसी बात को थोड़ा करीब से जानेंगे। दोस्तों आज की कहानी है कबड्डी के एक धुरंधर खिलाड़ी मनिंदर सिंह की। दोस्तों मनिंदर सिंह का जन्म जालंधर के एक गांव में 1 जनवरी 1990 को हुआ था। एक समृद्ध किसान परिवार में जन्म होने के कारण बचपन से ही मनिंदर सिंह को दूध दही घी मक्खन काफी पसंद था, और वह अपने पिताजी के साथ खेत में भी काफी मेहनत करते थे। अपने गांव की मिट्टी से जुड़े इस परिवार में मनिंदर सिंह का बचपन गांव के ही आम बच्चों की तरह गुजरा। जमींदार परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन पर कभी भी पैसों का घमंड नहीं आया। दोस्तों मनिंदर सिंह बचपन से ही अपने गांव के दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करते थे, और स्कूल में भी अपने दोस्तों के काफी घुल मिल कर रहते थे। दोस्तों एक बार की बात है, उनके स्कूल में एनुअल गेम्स के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता होनी थी, और मनिंदर सिंह के दोस्तों ने मनिंदर का नाम भी स्कूल की कबड्डी टीम में लिखवा दिया था। दोस्तों जब गेम शुरू हुए तो मनिंदर सिंह की कबड्डी लोगों को खासी पसंद आई, और इसके बाद वे अपने स्कूल में कबड्डी बॉय के नाम से मशहूर हो गए। दोस्तों अब तक मनिंदर सिंह स्कूल में ही पढ़ रहे थे और उन्होंने अपने भविष्य को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया था। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर खेती की अच्छी पढ़ाई करें और अपने गांव की खेती को आधुनिक बनाने में काफी मदद करें। वे चाहते थे कि उनके गांव के लोग भी आधुनिक खेती का इस्तेमाल करके अच्छी तरक्की करें। लेकिन दोस्तों जब वे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात जालंधर के एक जाने माने कबड्डी कोच हनुमत सिंह से हुई, और हनुमत सिंह ने मनिंदर सिंह को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की बात कही। दोस्तों इस वक्त मनिंदर सिंह की उम्र मात्र 20 साल थी, और हनुमत सिंह ने मनिंदर सिंह को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों अब मनिंदर सिंह जालंधर की कई सारी स्पोर्ट्स क्लब में कबड्डी खेलने लगे, और हनुमत सिंह की ट्रेनिंग से उनको काफी फायदा हुआ। दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मनिंदर सिंह अब कबड्डी पर भी पूरा ध्यान देते थे। दोस्तों हनुमत सिंह कबड्डी के जाने माने कोच के भास्करन के अच्छे दोस्त थे, और हनुमत सिंह ने मनिंदर सिंह की मुलाकात के भास्करन से करवाई। दोस्तों के भास्करन को मनिंदर सिंह की कबड्डी काफी पसंद आई, और सन 2014 में उन्होंने मनिंदर सिंह को प्रो कबड्डी के लिए पिंक पैंथर में शामिल कर दिया। दोस्तों इसके पहले मनिंदर सिंह कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी नहीं खेले थे, लेकिन के भास्करन को मनिंदर सिंह पर काफी भरोसा था, और जब सीजन की शुरुआत हुई तो पहले मैच से ही मनिंदर सिंह का कबड्डी का पैशन खुलकर लोगों के सामने आया। मनिंदर सिंह को काफी पसंद किया गया, और पिंक पैंथर के अच्छे प्रदर्शन से पिंक पैंथर प्रो कबड्डी के पहले सीजन में ही फाइनल जीती। लेकिन दोस्तों फाइनल मैच के दौरान मनिंदर सिंह को कंधे पर काफी चोट आई, और इसी कारण डॉक्टर ने उन्हें 2 या 3 सालों तक कबड्डी खेलने के लिए मना कर दिया। दोस्तों यह मनिंदर सिंह का बुरा वक्त था, और इसी वक्त के दौरान मनिंदर सिंह काफी नाराज थे, लेकिन इसके बावजूद मनिंदर सिंह ने अपने हौसलों को कम नहीं होने दिया। वे बस अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे थे, और 3 सालों तक आराम करने के बाद सन 2017 यानी इसी साल उन्हें एक बार फिर प्रो कबड्डी खेलने का हिस्सा मिला। लेकिन दोस्तों इस बार वे बेंगाल वॉरियर्स में चुने गए, और इस सीजन में उन्होंने 21 मैच खेलकर 190 रेट पॉइंट लिए। दोस्तों मनिंदर सिंह की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ गई, और अब वे अपने इस साल के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। दोस्तों मनिंदर सिंह का परिवार भी
मनिंदर सिंह की कबड्डी स्किल्स को काफी सपोर्ट करता है और वे चाहते हैं कि मनिंदर सिंह जल्द ही राष्ट्रीय टीम के लिए भी कबड्डी खेलें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर चालू करें।